उसके पापा को बता दो इनको जीनो सो दिलाओ, नहीं तो सुसाइड करने वाला है बंदा। जैसे ही लावण्या मेरे को छोड़ के गई, मतलब कुछ रीजन से अपन लोगों की फ्रेंडशिप टूट गई, तो आप लोग को मैं व्लॉग नहीं दे पाया, फिर आप लोगों ने फिर मेरा साथ छोड़ दिया भाई। हालचाल सत से काल, तो सभी को गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग जगदलपुर। तो गाइस चलो यार, आप लोग को मैं ये अपडेट देना चाह रहा हूँ कि मैं जो ना भाई यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। तो गाइस सही है यार, यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा 10 से 12 दिन हो गए मेरी कोई व्लॉग नहीं आई है, तो फिर एंड सपोर्ट भी बहुत कम मिल रही है। जितने भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, दिल से शुक्रिया। एंड जो जो भाई मेरे को जानते हैं, जो जो भाई मेरे को कहीं पे भी देखने से रुका कर बोलते हैं कि भाई ब्लॉग क्यों नहीं आ रही है, बट यार मैं उन लोगों को जो है अब झूठी दिलासा नहीं दे सकता। तो उन लोगों के लिए अपडेट है कि भाई मैं जो है ब्लॉग छोड़ रहा हूँ, मतलब यूट्यूब ही छोड़ रहा हूँ भाई, यूट्यूब से गायब हो रहा हूँ, अपनी जो लाइफ है उसको पर्सनल कर रहा हूँ। तो बड़े बंदे मेरे को बोलते हैं कि भाई ब्लॉग क्यों नहीं आ रही है, कहीं पर भी देखने से बोलते हैं ऐसी, अभी ब्लॉग क्यों नहीं आ रही है, अभी ब्लॉग क्यों नहीं आ रही है। आज भी जो है ना भाई, आप लोगों ने क्लिप देखी, स्टार्टिंग जो क्लिप था वो सुबह का क्लिप था, एंड आप लोगों ने नोटिस करी उसमें भी बड़े बंदे मेरे को पूछ रहे हैं कि भैया ब्लॉग क्यों नहीं आ रही है, आपकी ब्लॉग क्यों नहीं आ रही है। तो मेरी जान, बस वही मेरे सच्चे दिल के भाई लोग को मैं बताने के लिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ कि भाई मैं जो अपनी मतलब यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, यूट्यूब से गायब हो रहा हूँ। तो गाइस आप लोग, उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई मेरे को प्यार करते थे एंड वो आगे भी करते रहेंगे, और यहाँ पे भी देखेंगे ना भाई, बात तो करेंगे ना मेरी जान। ऐसा नहीं है कि मैं YouTube छोड़ रहा हूँ तो आप लोग से जो है दूर हो रहा हूँ, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग सदा दिल में रहोगे, और कभी हो सके तो अपन लोग YouTube में जो है फिर से आएंगे भाई। तो यार अभी ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा यार बात करने का। हर बंदा जो है ना भाई, आप लोग के साथ हर चीज़ मतलब 100% अपनी जो रियल स्टोरी होती है वो शेयर नहीं कर पाता, उन्हीं बंदों से मैं आपका ये भाई भी है भाई, जो कि आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर नहीं कर पा रहा है। मन कर रहा है सब कुछ बता दे, लाइफ में क्या चल रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितना ज़्यादा स्ट्रगल से भरी पड़ी है लाइफ, लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रगल प्रेजेंट में चल रही है, कुछ भाई कुछ भी शेयर करने नहीं होता है मेरी जान। मन करता है सब कुछ बता दे, बट जैसे कैमरा खोलता हूँ ना भाई, नहीं यार आप लोग को भी दुख होगा, एंड आपका भाई तो पहले से दुखी है ही। तो मैंने ये जो है ना भाई कवर भी मंगा ली थी, बट आप लोग को दिखाने का बिल्कुल भी मन नहीं करा, इसलिए मैंने जो है ना ये कवर अभी तक कहते हैं इंस्टाग्राम में भी अपलोड नहीं करी है, और ना ही मैंने अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पे लगाई है। बड़े भाई लोग का जो नंबर है वो सेव है, वो मेरे व्हाट्सएप की स्टेटस देखते हैं। एंड GoPro भी मैंने हनी भाई को बेच दी थी, बट आज कुछ ऐसा हुआ ना भाई, ऐसा सीन हुआ कि मैं जो फिर से हनी भाई से GoPro लेके आ गया हूँ, तो अभी मैं फिर से सोच रहा हूँ कि भाई GoPro जो है मैं अपना सेल कर दूंगा। तो आप लोग को दिखाता हूँ भाई मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो ये चेक करो भाई, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, क्या लग रही है ना भाई, बन्नी हेलमेट देख रहे हो भाई, नेक्स्ट लुक इतनी ज़बरदस्त भाई, जगदलपुर में ये मिलेगी नहीं, मिलेगी भी तो आपको बस छोटा सा मिलेगा, जो कि इतना ज़्यादा ये जो रुई देख रही है ना भाई, ये इतना ज़्यादा नहीं होगा उसमें, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड हेलमेट, हेलमेट की पूरी सेटअप गाइस, सच बोलूँ तो हेलमेट की पूरी सेटअप मैंने हनी भाई को सेल कर दी थी, द हनी राइडर, आप लोग जाकर चेक करना। भाई बोला था कि मेरी जो GoPro 9 है वो पता नहीं यार सॉफ्टवेयर अपडेट है कि टेक्निकल इशू है, कुछ कारण से ऑन नहीं हो रहा है। तो भाई उस चीज़ का लेके ना भाई, इलेक्ट्रिकल जो भी है बहुत ट्राई करा भाई ने, लेकिन उसका कोई ऑन नहीं हुआ। तो फिर भाई ने मेरे को बोला कि भाई शिवा, तो अगर ब्लॉग्स नहीं बना रहा है तो अपनी जो GoPro है उसको मेरे को दे दे मेरी जान, मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू रखूँगा। तो मैंने सही सोचा यार, कि मैंने भी सोचा चलो यार भाई, मैं तो ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ बट अपना ब्रदर ब्लॉग बना रहा है, उसको दे देते हैं अपने GoPro। तो पूरी सेटअप मैंने उसको दे दी थी, उलान जी की केस, माइक अडाप्टर एंड जो बैटरीज थी, चार्जर, GoPro, सब कुछ मैंने उसको दे दी थी भाई। और फिर से अभी मैं लेके आया हूँ आज ब्लॉग बनाने के लिए आप लोग के लिए, सोचा लास्ट अपडेट आप लोग को दे दूँ मेरी जान, तो उसके चलते मैं जो उसको लेके आया हूँ, हो सके तो मैं अपना हेलमेट भी भाई को दे दूँगा एंड GoPro पूरा सेटअप दे दूँगा भाई, पूरा सेटअप जो है अपने हनी भाई को दे देंगे। अगर हनी भाई का GoPro 9 बन के नहीं आया तो हम लोग ये सेटअप दे देंगे, आज उनको पता चल जाएगा कि उनका जो GoPro है आज आने वाला है कि नहीं आने वाला है, नहीं तो फिर अपना सेटअप दे देंगे एंड अपनी लाइफ को जो है भाई पर्सनल बना लेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई कभी कभी मैं ब्लॉग्स डालूं, तो चैनल एक्टिव रखो एंड चैनल पे रोज़ गाइज मैं देखता हूँ,
मैं कुछ डालू ना डालू, बट आप लोग जो है ना भाई मेरे को प्यार देते हो डेली भाई। एनालिटिक्स मैं चेक करता हूँ, 400 से 500 व्यूज आते ही है मेरी जान। मैं ब्लॉग डालू नहीं डालू लेकिन 400 से 500 व्यू आप लोग मेरे को देखते हो। आई नो कि आप लोग जो देखा वीडियो है उसको दोबारा जाके देखते हो, फिर भी मेरे चैनल को एक्टिव रखते हो, तो थैंक यू सो मच। दिल से प्यार है उन भाई लोग के लिए जो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो किन किन भाई लोग को पता है ये जगह एंड इस जगह पे मैं क्यों आता हूँ आप लोग को तो पता ही है, तो कमेंट करो भाई। तो बन्नी को भी आज हो सके तो अपन लोग सिटी साइड जाएंगे, नहीं जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। तो अपनी हेलमेट की कवर भी अगर किसी भाई को चाहिए तो कमेंट करो, उस भाई को अपन लोग कवर भी दे देंगे और हेलमेट भी मैं दे दूंगा भाई। और गोप्रो तो हनी भाई के पास जा ही रहा है, अगर हेलमेट हनी भाई ने बोला कि भाई मेरे को नहीं चाहिए तो हेलमेट भी मैं आप लोग को दे दूंगा और कवर तो आप लोग को मिलेगा ही, बट बाइक नहीं दे पाऊंगा मेरी जान, आप लोग को तो पता ही है। तो गाइस अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, नहीं तो फिर आपका भाई जो है दिल का बहुत ज़्यादा कच्चा है, आप लोग को पता ही है बहुत जल्दी इमोशनल होने हो जाता है। तो चलो यार मिलते हैं आप लोग को मोटो ब्लॉग के सेटअप में एंड अपने भाई लोग से बाकी की बात करते हैं मोटो ब्लॉग के सेटअप में। क्या बोलती कंपनी, थोड़ा थोड़ा जो आपका भाई गिर गिर के सीख चुका है। तो भाई लोग यहाँ पे मैं रुका था अपनी कैमरा की जो है वॉइस चेक कर रहा था, बिकॉज ओल्ड होने के कारण ना भाई हम लोगों का जो वॉइस है वो क्लियर आ नहीं पा रहा है, कभी कभी जो है माइक अपना जो क्लियरिटी है वो ले नहीं पा रहा है। एंड फिर जय माता दी जय माता दी गाइस जय माता दी। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार विली करने में, सीरियसली RPM आते तक विली हो जा रही है। जितना विलीज मार सकता है इस रोड पे मार ले मेरी जान, क्योंकि जगदलपुर पहुंचेंगे ना तो जगह जगह के जो है कैमरा चालू हो गए हैं जिसके कारण विलीज आप मार ही नहीं पाओगे जगदलपुर में। भाई पीछे से बंदा आ रहा था मेरे को पता ही नहीं था, सॉरी ब्रो दिल से सॉरी यार। अगर ये ABS निकालता ना मैं आप लोग को स्टॉफी भी दिखा देता। वाओ नेक्स्ट लेवल भाई, मेरे को खुद को भरोसा नहीं हो रहा भाई इतना लंबा लेके जा रहा हूँ भाई लोग। थिंक ये मेरा लास्ट ब्लॉग है जिसके चलते इतने सारे रिएक्शंस एंड इस तरह की वीलीज मार पा रहा हूँ मैं, और ये शायद सबसे अच्छा ब्लॉग होगा। इस पर मैं आप लोग को जो अपनी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ एंड फुल फन कर रहे हैं, और मेरे को जो है थोड़ा सा भी अभी सैड फील नहीं हो रहा है जिसके चलते मैं बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग कर पा रहा हूँ। जो है यूट्यूब छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है भाई, सीरियसली यार। मैंने जो एक एक रुपए पैसे जमा करके जो GoPro खरीदी थी ना भाई, तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस भी कर लिया था कि भाई मैं अपना जो GoPro है वो कभी सेल नहीं करूँगा, बट किसी रीज़न से जो हम लोगों को सेल करना पड़ रहा है। बोल रहे हैं कि भाई तूने 1.5 साल दे दी यूट्यूब पे, कुछ मिला तेरे को कुछ, मतलब वैसा एक भी चीज़ बता दे, बेनिफिट चीज़ बता दे जिससे कि तेरे को यूट्यूब से कुछ, मतलब जो 1.5 साल तूने गवाए उससे कुछ मिला हो। तो अगर ये एक चीज़ भी मैं बता पाता तो शायद मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते हैं एंड जो प्रॉब्लम है उससे मैं निकल जाता। तो आप लोग बताओ भाई मेरे को जो है GoPro सेल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। GoPro सेल अभी जो है ना भाई 95% तक मेरे को सेल करनी पड़ेगी, 5% है जिसमें मैं GoPro को सेल नहीं कर पाऊंगा। एंड बंदे लोग जो है ना भाई मेरे को देख के हंस रहे हैं कि भाई ये क्या पहन लिया होगा तूने, यहाँ पे भी कैमरा लगा है तो यहाँ पे अब अपन लोग जो है बकचोदी नहीं कर पाएंगे। एंड आगे में भी आप लोग को दिखाऊंगा मैं 360 का जो कैमरा होता है ना भाई वो भी लगा है, तो वहाँ पे भी अपन लोग जो है अब बकलोल नहीं कर पाएंगे। ये जगह पे देखो यार, इस जगह पे भी जो है कैमरा लग चुका है, ये देख रहे हो 360 अगर आप लोग को जो है विजिबल हो रही होगी। तो यहाँ पे विलीज मार सकते हैं बट थोड़ा सा आगे जाएंगे उसके बाद मारेंगे, क्योंकि इस जगह पे मारेंगे ना भाई सीधा घर पे चालान आ जाएगा। एंड एक चीज़ और भाई मैं आप लोग को दिखाना भूल गया था, ये देखो रात को मेरे को मैसेज आई थी, रात के 3 बजे मेरे को मैसेज आई थी कि आपका जो PUC है वो ख़त्म हो चुका है। तो देख रहे हो भाई मेरे को लगा कि भाई मैं जो बकलोल करता हूँ उसका फिर मेरे यहाँ पे वो ऑनलाइन चालान ना कट गया हो, तो लेकिन यहाँ पे मेरा PUC जो है आज ख़त्म हुआ तो उसका जो है मेरे को मैसेज आया था। वो भाई साहब आप लोग को मैं जो हूँ कपल्स ब्लॉग दे रहा था, फ्रैंक ब्लॉग दे रहा था, तो आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, बट जैसे ही लावण्या मेरे को छोड़ के गई, मतलब कुछ रीज़न से अपन लोगों की फ्रेंडशिप टूट गई, तो आप लोग को मैं ब्लॉग नहीं दे पाया, फिर आप लोगों ने फिर मेरा साथ छोड़ दिया भाई। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, बट चल कोई बात नहीं, लावण्या मेरे साथ नहीं हाँ, बट बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है भाई मेरी लाइफ में उस बंदी के जाने से। ओनली अपन लोग फ्रेंड थे बट
मेरे को लगा था कि भाई उस बंदी के कारण ना मैं यूट्यूब पे टिक पाऊंगा एंड उस बंदी के कारण मैं सब कर लूंगा, बट वही साथ नहीं रही। तो भाई जिसने मेरे को मोटिवेट किया कि चलो यार ब्लॉग चैनल अपना ऑन करते हैं एंड उस पर अपनी मस्ती जहाँ जहाँ घूमेंगे, जहाँ जहाँ अपनी मेमोरीज कैप्चर करेंगे। हम लोगों का कोई ऐसा प्लान नहीं था भाई कि हम लोगों को जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर गेन करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, यूट्यूब से पैसा छापना है, ऐसा कुछ अपन लोगों का इंटेंस नहीं था। इंटेंशन अपन लोगों का बस इतना था कि चलो यार हम लोग इतना घूमते हैं तो मेमोरीज कैप्चर करेंगे, चलो यार जहाँ खाते हैं फूड व्लॉग्स करेंगे, मस्ती करेंगे और चैनल पे अपलोड करेंगे। उनकी फैमिली को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, देन मेरी फैमिली को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, जिसके चलते अपन लोग काफ़ी अच्छी अच्छी व्लॉग बना रहे थे। बट क्या हुआ फिर आप लोग को तो बताइए भाई। अगर नए बंदे हो जिनको पता नहीं है, वो बंदा जाके चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आप लोग को जो है मिल जाएगी। बट जो बंदा स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है उसको तो पता ही है भाई। और यहाँ पे लोग मेरे को देख के ऐसे हंस रहे हैं मानो मैं जोकर बन के आ गया हूँ। हम लोग अपने फ्रेंड का वेट कर रहे थे एंड क्यूट सा भाई मिल गया। भाई बोल रहा है क्या चाहिए भाई आपको? विली तो चाहिए। और कौन सा बाइक चाहिए बोल रहे थे? G900। कब ले रहे हो? अरे यार लेना तो भाई। भाई ये चेक करो यार, अपने फ्रेंड आ चुके हैं और भाई बोल रहा है कि मेरे को G900 चाहिए बोल के। G900 चाहिए भाई को। कब तक ले रहे हो यार आप? यार बड़े होने के बाद लूंगा। तो अभी भी तो बड़े ही हो चुके हो यार। कॉलेज जाते समय लूंगा। और ये लौंडिया आवाज वाला इंसान आ चुका है। जब देखो जब देखो तब लौंडियों के चक्कर में रहता है और दो तीन बार पिटाया भी है। और ये कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है। ये भाई अपने गाड़ी को अभी विली मार के दिखाएंगे। मार रहे हो ना विली भाई? एक एक किलोमीटर तक का लंबा लेके जाते हैं ये भैया। इनके पापा को बता दो इनको G900 दिलाओ, नहीं तो सुसाइड करने वाला है बंदा। ना भाई ये सारे बंदे मेरे को बोल रहे हैं अभी विली हाँ क्या खले। नहीं नहीं छोड़ो ना, ना। नहीं ना मेनु शरम आवे। विली चाहिए हाँ। चैनल पे जाना नहीं, अभी दू भाई यहाँ पे डिमांड। अभी क्या बोल रहा है? क्या हाँ भैया आपका नाम? नाम तो बताओ अपना। यही तो नाम है भाई मेरा। कितने का आता है भाई? कितने का आता है बता? 80। लोग वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आज की ब्लॉग आप लोग को अच्छी लगी होगी। मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी भाई, बहुत टाइम के बाद मैं इतना ज़्यादा जो है फन कर पाया हूँ। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और भाई के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी भाई जो है घर जाएगा। बहुत प्यारा स्माइल है भाई तुम्हारा। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वी सेफ एंड राइट सेफ भाई लोग।